प्रिय मित्रों नमस्कार, आइए और ये शुभ संदेश सुनिए। चित्रमाला को देखिए और ध्यान से सुनिए। याद रखिए, जब आप ये संगीत सुनते हैं, चित्रमाला का दूसरा पृष्ठ पलटिए। चित्र एक। सृष्टि के प्रारंभ में केवल परमेश्वर था और बाकी सब कुछ अंधकार था। परमेश्वर भला है, सब पर शासन करता है। जैसा आप इस पहले चित्र में देखते हैं, परमेश्वर ने इस संसार को रचा और ज्योति को चमकने की आज्ञा दी। उसने आकाश को बनाने के लिए जल को अलग किया तथा दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को ठहराया। चित्र दो। चित्र की ये पुस्तक बाइबल कहलाती है। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर और उसके मार्गों के विषय में बताती है। परमेश्वर सब लोगों को बहुत प्यार करता है। हम परमेश्वर से अलग किए गए हैं, परंतु बाइबल एक मार्ग बताती है जिसके द्वारा हम पुनः उससे जोड़े जा सकते हैं। ये सच्ची कहानियां बाइबल से ही ली गई हैं। चित्र तीन। परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा हर वस्तु को अच्छा बनाया। उसने भूमि को, पर्वतों को तथा समुद्र और नदियों को भी बनाया। तब उसने सारे जीव बनाए, जल में मछलियों को, वायु में पक्षियों को तथा सब जंतुओं को बनाया। परमेश्वर सब कुछ बनाकर खुश हुआ क्योंकि हर चीज बहुत अच्छी थी। चित्र चार। परमेश्वर ने प्रथम पुरुष को बनाया जिसे आदम कहा, फिर प्रथम स्त्री हवा को बनाया। उसने जो कुछ भी बनाया उन पर दोनों को अधिकार दिया। वे परमेश्वर के मित्र थे जो उससे बातें करते तथा बाग में रहते थे। परमेश्वर ने उन्हें एक वृक्ष को छोड़कर हर वृक्ष के फल खाने की आज्ञा दी। बाएं चित्र में आप ये देखते हैं, उन्होंने मना किए गए वृक्ष का फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने पाप किया और उसकी परमेश्वर से संगति टूट गई। दाएं चित्र में आप ये देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को सजा दी और उन्हें बाग से बाहर निकाल दिया। उसी दिन से लोगों को पसीने की कमाई की रोटी मिलती है तथा पीड़ा, बीमारी और मृत्यु से होकर जाना पड़ता है। चित्र पांच। आदम और हवा के कैन और हाबिल दो पुत्र थे। कैन हाबिल से जलता था। एक दिन उसने हाबिल को मार दिया। परमेश्वर ने कैन को आदम और हवा की तरह दंड दिया। हम आदम हवा की संतान हैं और हम सब ने भी पाप किया है। हमें पापों की सजा मिलनी चाहिए। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। चित्र छह। कई साल बीत गए। आदम की बहुत सारी संतानें थीं। उन्होंने भी पाप किया
और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। लोगों का पाप बहुत बढ़ गया और परमेश्वर ने बहुत बड़े जल प्रलय के द्वारा उन्हें नाश करने का निर्णय लिया। तब केवल एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और उसकी आज्ञा मानता था। उसका नाम नूह था। परमेश्वर ने नूह को एक बहुत बड़ा जहाज बनाने को कहा जिसमें वो तथा उसका परिवार बचाया जाता। जहाज बनाते हुए सालों तक नूह परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में प्रचार करता रहा। नूह द्वारा दी गई बुरे मार्गों से फिरने तथा जल प्रलय से बचने की चुनौती पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। चित्र 7। जैसा परमेश्वर ने नूह और उसकी पत्नी को आज्ञा दी, नूह ने सब प्रकार के जीव तथा पक्षियों को जहाज में रखा। उसके 3 बेटे और बहुएं भी जहाज में गए। परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। तब वो ऊपर से भारी वर्षा, नीचे से पानी के स्रोतों को खोलकर पृथ्वी पर बाढ़ ले आया। दूसरों के बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। नूह और उसका परिवार जहाज में सुरक्षित थे, परंतु बाहर जो थे वो डूब गए। नूह बच गया क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था और परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी थी। चित्र 8। कई वर्ष बीत गए। नूह की संतानों से कई जातियां बनी। इब्राहिम परमेश्वर को प्यार करने वाला तथा परमेश्वर का आज्ञाकारी था। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की कि उसकी संतान बहुत होगी। इब्राहिम और सारा की कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास था। ये चित्र बताता है कि अब वे बूढ़े थे। उनके पास एक बेटा हुआ और उसे इजहाक नाम दिया गया। इब्राहिम और इजहाक यीशु मसीह के पूर्वज थे। यीशु मसीह ने संसार को पाप से बचाया। चित्र 9। इब्राहिम के संतान एक बड़ी जाति बनी और इसराइल कहलाई। मूसा इब्राहिम की संतान था। वो भी परमेश्वर पर विश्वास रखता था, उसकी आज्ञा मानता था। एक दिन परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया और लोगों को सिखाने के लिए व्यवस्था दी। ये चित्र दिखाता है कि मूसा पहाड़ से पत्थर पर लिखी आज्ञाओं को लेकर नीचे आ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक उसकी आज्ञा को माने। चित्र 10। यहां कुछ आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। ये एक सच्चे परमेश्वर से प्रेम करना तथा उसकी आज्ञा मानना सिखाते हैं। प्रारंभ में चित्र के ऊपर दाएं हम ये देखते हैं कि हमें किसी मूर्ति या पशु की प्रतिमा या दूसरी वस्तुओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। हमें एक सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। दूसरे चित्र में पिता, माता और संतान एक साथ परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। सारे लोगों को प्रत्येक सप्ताह में एक दिन परमेश्वर की उपासना करने के लिए एक दिन अलग रखना चाहिए। आगे बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। नीचे बाएं चित्र पर परमेश्वर की आज्ञा कहती है कि हमें हर
हत्या नहीं करनी चाहिए। बाद में हमें दूसरे की पत्नी को नहीं लेना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अंतिम चित्र में हम दूसरे की कोई चीज नहीं चुराएं, लालच नहीं करना चाहिए। परमेश्वर इन आज्ञाओं को मानने के लिए कहता है। चित्र 11। जब एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के द्वारा पाप करता था तो उसे बलिदान में परमेश्वर को एक मेमना चढ़ाना पड़ता था। पापी के स्थान पर मेमना मर जाता था। मेमना परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रतीक था। यीशु मसीह पैदा हुआ, संसार के लोगों के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान बना। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह लकड़ी की क्रूस पर मरने के द्वारा पाप के लिए बलिदान बना। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अपने पापों को मानिए, पश्चाताप कीजिए तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। चित्र 12। अब सुनिए यीशु कैसे पैदा हुआ। कई साल पहले परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता भेजने की प्रतिज्ञा की थी। बाएं चित्र में आप देखते हैं कि स्वर्ग से एक दूत उतरकर क्वारी मरियम के पास आया। मरियम क्वारी थी, उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और वो गर्भवती होगी, वो बालक यीशु कहलाएगा। दाहिने चित्र में आप ये देखते हैं, सपने में यूसुफ को भी स्वर्गदूत दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने कहा, यूसुफ तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है, उसका नाम यीशु होगा जिसका अर्थ है मुक्तिदाता। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब तक बालक पैदा नहीं हुआ वो मरियम के साथ नहीं सोया। चित्र 13। यूसुफ और मरियम को बैतलहम नगर तक यात्रा करनी थी। क्योंकि नगर में बहुत भीड़ थी इसलिए उनके लिए जगह नहीं थी। उन्हें एक गौशाला में रुकना पड़ा और वहां मरियम ने यीशु बालक को जन्म दिया। उस रात को एक स्वर्गदूत चरवाहों को दिखाई दिया, वे मैदान में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। स्वर्गदूत ने यीशु के बैतलहम में जन्म के विषय बताया। तब बहुत सारे दूतों का एक झुंड आकाश में गाते और परमेश्वर की स्तुति करते उन गड़ड़ियों को दिखाई दिया। चरवाहे उद्धारकर्ता को देखने के लिए गए। चित्र 14। चित्र में बाएं हम यीशु को देखते हैं जब वो 12 वर्ष का था। वो इसराइल के नेता याजकों से परमेश्वर के विषय वाद विवाद कर रहा था। परमेश्वर के ज्ञान में उसे इतना बुद्धिमान पाकर वे लोग चकित हो गए। दूसरे चित्र में हम ये देखते हैं कि यीशु बड़ा हुआ और लोगों को परमेश्वर के विषय बताया। कुछ लोगों ने उसकी शिक्षाओं पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानी। दूसरे लोगों ने विश्वास नहीं किया पर विरोध किया। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें और यीशु के पीछे चलें। चित्र 15।
चित्र 15। ये चित्र परमेश्वर की बड़ी सामर्थ दिखाता है जिसके द्वारा वो आश्चर्य कर्म करता था। बाएं चित्र में यीशु ने जन्म के अंधे को छुआ और वो देखने लगा। बीच वाले चित्र में उसने मरे हुए बच्चे को जिलाया। उसके माता पिता देख रहे हैं। ऊपर अंत में हम ये देखते हैं कि यीशु पानी पर चल रहा है। वो अपने चेलों के पास जा रहा है जहां उसके चेले नाव पर सवार हैं। अपने को परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु ने कई आश्चर्य कर्म किए। यीशु की सामर्थ हमारी भी सहायता कर सकती है। चित्र 16। यीशु ने कई आश्चर्य के काम किए और कई लोगों ने उसका अनुसरण किया। यीशु दयालु था। बीमारों को उसने चंगा किया। लोगों को परमेश्वर का मार्ग बताया। वो खोए हुए और पापी लोगों को बचाने आया। क्रूर लोगों ने उससे घृणा की क्योंकि उसने उन्हें पापी कहा। याजक लोग यीशु से जलते थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने उसे पकड़ा, झूठी गवाही दी और उसे मारा। उन्होंने उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा, उस पर थूका और उसका मजाक उड़ाया। परंतु यीशु ने उसका विरोध नहीं किया। वो जानता था कि उसके साथ ऐसा होगा। वो बुरे लोगों के द्वारा घायल किया और मारा गया। वो लोगों के पापों की सजा उठाने के लिए परमेश्वर के दिए जाने वाले बलिदान के रूप में मरने को आया था। चित्र 17। प्रभु यीशु लकड़ी के क्रूस पर पहाड़ी पर टांगा गया। वो तब तक लटका रहा जब तक वो मर नहीं गया। यीशु के साथ दो अन्य अपराधियों को भी टांगा गया। उन दोनों अपराधी को सजा देने का ये कठोर तथा भयानक ढंग था। परंतु यीशु ने कुछ गलत नहीं किया था। लोगों के पापों का दाम चुकाने के लिए वो बलिदान बना। हम सब ने पाप किया है और हमें अपने पापों के लिए मरना चाहिए। हमारी सजा यीशु को मिली। यदि हम मानते हैं कि हम पापी हैं और सचमुच में अपने पापों से फिरते हैं तो वह हमें क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप बच जाएंगे। चित्र 18। यीशु के शत्रुओं ने सोचा कि उन्होंने यीशु को खत्म कर दिया है, परंतु ऐसा नहीं था। क्रूस पर जब यीशु मर गया, उसके मित्रों ने उसे कब्र में रख दिया। कब्र के द्वार को एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया। दो दिन बीत गए। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठा। जब कुछ स्त्रियां कब्र पर आईं, उन्होंने पत्थर को लुढ़का पाया। यीशु चला गया था। वहां दो स्वर्गदूत थे। उन्होंने बताया यीशु जी उठा है। जब यीशु मृतकों में से जी उठा तो उसने प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर है। यीशु आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। वो शैतान और मृत्यु से ज्यादा सामर्थी है।
चित्र 19। यीशु मृत्यु से जब जी उठा, उसके मित्रों ने उसे छुआ, उससे बातें की। थोमा, जो यीशु का चेला था, वो विश्वास नहीं कर सका कि यीशु पुनः जीवित हो उठा है। उसने कहा, जब तक मैं उसके घावों को छू कर न देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम चित्र में देखते हैं कि यीशु आया और उसने थोमा को अपने घाव दिखाए। थोमा को कोई शक नहीं रहा, वो यीशु मसीह के सामने गिर पड़ा और बोला, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिन्होंने मुझे देखा नहीं पर विश्वास करते हैं। चित्र 20। मृत्यु से जी उठने के 40 दिन तक वो लोगों को कई बार दिखाई दिया। कई लोगों ने उसे जीवित देखा। अब प्रभु वापस अपने पिता के पास स्वर्ग जाने के लिए तैयार था। उसने वो काम पूरा किया जिसे वो करने आया था। यीशु ने अपने मित्रों से कहा कि इस शुभ संदेश को सबको बताओ। चेलों ने उसे पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाते देखा। दो स्वर्गदूतों ने बताया, जैसे यीशु गया है वैसे ही स्वर्ग से वापस आएगा। उस समय से प्रभु स्वर्ग में है। वो उनके लिए जो उस पर विश्वास रखते हैं तथा उसका अनुसरण करते हैं, उनके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। आपकी क्या स्थिति है? क्या आप विश्वास करेंगे और यीशु के पीछे चलेंगे? क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? चित्र 21। मसीह यीशु क्रूस पर क्यों मरे? मसीह यीशु पापियों को पाप की सजा से बचाने के लिए मरे। मसीह यीशु ने पाप कभी नहीं किया, परंतु पाप जिसने हमें परमेश्वर से अलग किया, उसे दूर करने के लिए मसीह यीशु को मृत्यु की सजा उठानी पड़ी। क्रूस हमें स्मरण दिलाता है कि मसीह यीशु निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र परमेश्वर का मेमना बनकर हमारे लिए बलिदान हुए। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करके पापों को मान लेते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। मसीह यीशु हमें परमेश्वर की संतान बना लेते हैं। विश्वासी होने के विषय अब हम अगले चित्र में देखते हैं। चित्र 22। मसीह यीशु ने बताया, मार्ग दो हैं। पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति चौड़े मार्ग का राही हो जाता है। चौड़ा मार्ग विनाश, अनंत अग्नि अर्थात नरक की ओर ले जाता है। आदम से प्राप्त हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है। यदि एक व्यक्ति इस जीवन में मसीह यीशु को ग्रहण करता और मसीह यीशु के पीछे चलने लगता है तो वह अनंत जीवन का अधिकारी हो जाता है। वह चौड़े मार्ग से सकरे मार्ग पर अग्रसर होता है जो स्वर्ग को ले जाता है। जो सकरे मार्ग पर हैं, उनके लिए पाप का कोई दंड नहीं है। या यदि आप मसीह यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना में यह कह सकते हैं, प्रिय परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मसीह यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों का मूल्य चुकाया। मुझे क्षमा कर दीजिए और पवित्र करके मुझे अपने परिवार का एक सदस्य बना लीजिए। मैं संपूर्ण जीवन मसीह यीशु के पथ पर चलना चाहता हूं और मृत्यु के बाद
स्वर्ग में मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। प्रिय परमेश्वर, इन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यदि आप सचमुच विश्वास करके ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आप सक्रिय मार्ग पर चलेंगे, जो शांति, आनंद और अनंत जीवन का मार्ग है। चित्र 23। मसीह यीशु प्रत्येक जाति, देश व भाषा के लोगों का स्वागत करते हैं। जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया वे उनकी संतान बन गए हैं। वे सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं जो कि स्वर्ग को ले जाता है। परमेश्वर की संतान हर परिवार के समान है। वे सब मसीह यीशु में बंधे हुए हैं। चित्र 24। एक रात फरीसियों का नेता निकोदिमुस मसीह यीशु के पास परमेश्वर के विषय सीखने के लिए आया। मसीह यीशु ने उससे कहा, प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर की संतान होना चाहता है उसे नया जीवन प्राप्त करना आवश्यक है। यह नए सिरे से जन्म लेने के अनुसार है। हम अपनी सामर्थ्य से अपने आप को बदल नहीं सकते। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देता है। जब मसीह यीशु पर विश्वास करके हम उसके पीछे चलने लगते हैं तभी हम नए व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के जन बन जाते हैं। चित्र 25। ये व्यक्ति परमेश्वर के मित्र अर्थात उनके शिष्य हैं। मसीह यीशु ने स्वर्ग पर जाने के पूर्व पवित्र आत्मा का दान देने की प्रतिज्ञा की थी। मसीह यीशु के स्वर्ग जाने के 10 दिन के बाद 120 शिष्य एक स्थान पर एकत्र थे। अचानक जब वे प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर ठहर गया और उनमें समा गया, जैसा कि मसीह यीशु ने स्वयं प्रतिज्ञा की थी। मसीह यीशु के शिष्यों को सामर्थ मिली और वे इस सामर्थ से विभिन्न भाषाओं में परमेश्वर के महान कार्यों के विषय दूसरों को बतलाने लगे। परमेश्वर का आत्मा सब विश्वासियों में निवास करता है और उन्हें प्रभु को प्यार करने की सामर्थ प्रदान करता है। चित्र 26। मसीह यीशु पर विश्वास करने के पहले विश्वासी अंधकार में चल रहा था। वो डगमगाता था, अक्सर पाप में गिर जाता था क्योंकि उसे चलाने के लिए उसके पास ज्योति नहीं थी। लेकिन जब व्यक्ति मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो प्रकाश में सीधे रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति के समान बन जाता है। मसीह यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपना पवित्र आत्मा देता है जो कि हम विश्वासियों को जीवन का मार्ग प्रदर्शित करता है। चित्र 27। एक विश्वासी अर्थात मसीह यीशु का अनुयायी मसीह यीशु में एक नया व्यक्ति है और वह परमेश्वर के वचन को मानता है, उसके प्रति आज्ञाकारी है। वह आभारी है कि परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा कर दिए। तब एक विश्वासी व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठी साक्षी नहीं देता, मूर्ति पूजा नहीं करता। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को बुरी वस्तुओं से दूर रखने तथा भले कार्य करने की सामर्थ्य नित्य प्रदान करता रहता है। चित्र 28। इस परिवार को देखिए जो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है।
ये व्यक्ति अपने पत्नी से प्रेम रखता है और पत्नी अपने पति का आदर करती है। वे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। वे प्रत्येक बात में एक दूसरे की सहायता करते और अपने बच्चों को परमेश्वर से प्रेम करना और वचन को मानना सिखाते हैं। मसीही परिवार को साथ साथ प्रार्थना करना आवश्यक है। चित्र 29। मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हर किसी से, यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करना आवश्यक है। जहां किसी व्यक्ति को हमारी आवश्यकता है, उसकी हम यथाशक्ति सहायता करें, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा का क्यों ना हो। मसीह ने एक व्यक्ति की कहानी बताई जो कि चोरों के द्वारा पीटा गया और तब लूट लिया गया। एक दूसरे जाति के एक व्यक्ति ने इस घायल व्यक्ति को देखा, उस पर तरस खाया, उसने खर्च की चिंता नहीं की परंतु उस मनुष्य की सहायता की, क्योंकि इस मनुष्य को सहायता की आवश्यकता थी। मसीह ने कहा, हमें भी ऐसे ही अच्छे कार्य नित्य करने चाहिए। चित्र 30। ये मनुष्य ने गंडे ताबीज पहने हैं। वे मसीह यीशु के चेले बनने से पहले इन्हीं वस्तुओं पर विश्वास करते थे, परंतु मसीही विश्वासी को शैतान की इस तरह की हर वस्तु और दुष्ट आत्मा से दूर रहना चाहिए। मसीह यीशु, शैतान, दुष्ट आत्मा, मूर्तियों, गंडे ताबीज से बहुत ज्यादा सामर्थी हैं। हम विश्वासियों को शैतान से डरने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। हमें अपनी सुरक्षा व सहायता के लिए हमेशा परमेश्वर के पास जाना चाहिए। चित्र 31। इस चित्र में हमें एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, अर्थात उसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं। उसे रस्सियों व बेड़ियों से भी बांधा नहीं जा सका, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना है, शक्तियां हैं। मसीह यीशु ने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। वे दुष्ट आत्माओं को बाहर निकल आने की आज्ञा देते थे और वे निकल आती थीं। मसीह यीशु के द्वारा यह आदमी स्वतंत्र हुआ और तब उसने लोगों को जाके बताया कि मसीह यीशु ने उसके साथ क्या क्या किया। मसीह यीशु के पास दुष्ट आत्माओं से कहीं ज्यादा शक्तियां हैं। शैतान तथा दुष्ट आत्माएं ये सब मसीह यीशु की आज्ञा मानते हैं। या यदि आपको दुष्ट आत्माएं सताती हैं, आप दूसरे विश्वासियों के पास जाएं और वे मिलकर आपके लिए प्रार्थनाएं करें। वे मांगें कि सामर्थी प्रभु मसीह यीशु उन दुष्ट आत्माओं को आपसे बाहर निकाल दें। यदि हम मसीह यीशु से प्यार करते और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका निवास हम में हुआ करता है, उनकी सामर्थ हमारी रक्षा करती है और तब शैतान हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। चित्र 32। यह चित्र बतलाता है कि एक विश्वासी मसीह यीशु के पीछे चलना छोड़ देने की परीक्षा में कैसे पड़ जाता है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर को भूल जाएं तथा धन, संपत्ति, कपड़े, तंबाकू, शराब इत्यादि बुरी वस्तुओं के विषय में सदैव सोचते रहें। शैतान कहता है कि ये वस्तुएं हमें खुशियां प्रदान करती हैं,
लेकिन याद रखिए, शैतान झूठा है। वो सदा हमें धोखा देना चाहता है, हमें नाश कर देना चाहता है। जब एक विश्वासी प्रभु को देखता और इसके पीछे चलता है तो बुरी वस्तुओं के लिए आई लालच का वो विरोध करने लगता है। चित्र 33। मसीह यीशु ने एक कहानी बतलाई। एक जवान लड़के ने अपने घर को छोड़ दिया, बहुत दूर देश में चला गया और वहां जाकर उसने बहुत सारे बुरे काम किए। व्यभिचार, बुरी संगति के द्वारा उसने अपने पिता के दिए गए पैसों को समाप्त कर दिया और पाप के गड्ढे में गिरता गया। और तब जब उसका पैसा खत्म हो गया तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो गरीब और भूखा हो गया। तब ये सब होने पर वो अपने पाप के लिए बहुत दुखी हुआ और वो पिता के पास जाकर उसे क्षमा मांगने लगा। पिता ने उसे बहुत प्यार किया और उसने उस जवान लड़के को फिर ग्रहण कर लिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि हम पाप करें तो सचमुच में यह आवश्यक है कि हमें पश्चाताप करना है, यानी अपने पापों से फिर जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे पाप क्षमा करते और हमें पुनः ग्रहण करते हैं। चित्र 34। इस चित्र में ये स्त्री व पुरुष बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका एक प्रिय संबंधी बहुत बीमार है। परमेश्वर के लोग बीमारी की दशा में क्या करते हैं? वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर बीमार को चंगा करने में समर्थ हैं। यदि परमेश्वर चाहें तो वह उन्हें उपयुक्त दवा प्राप्त करने में सहायता भी करते हैं। स्मरण रखें, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तथा जो कुछ भी उनकी संतान होने के नाते हमारे साथ होता है वे हमको स्थिति में संभालते हैं। परमेश्वर हमें शैतान की हर युक्ति से बचाते हैं, इसलिए हम शैतान से भयभीत ना हों। मसीह यीशु हमारे साथ हैं जो प्रत्येक दुख के समय हमें शांति प्रदान करते हैं। चित्र 35। हम सब जानते हैं कि हम सब एक दिन अवश्य मर जाएंगे, परंतु उसके बाद क्या होगा? जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा मसीह यीशु के पास चली जाती है। बाइबल बतलाती है कि हम मसीह यीशु के पास जाते हैं। मृतक के मित्रों को दुखी नहीं होना चाहिए। हमें मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तथा वे हमें पाप के सारे प्रभावों से बचाते हैं। अविश्वासियों के पास मृत्यु के बाद की कोई आशा नहीं हुआ करती। वे मृत्यु के बाद दंड के स्थान में पहुंचते हैं जहां अनंत पीड़ा हुआ करती है। जब आपकी मृत्यु होगी आप कहां जाएंगे? चित्र 36। इस चित्र में हम देह के विभिन्न अंगों को देख रहे हैं। हर अंग का एक विशेष कार्य है। आंखें देखने के लिए दी गई हैं, कान सुनने के लिए तथा मुंह बोलने और खाने के लिए। देह के सारे अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं। यदि एक अंग बीमार या घायल हो जाता है तो सारी देह को
दुख उठाना पड़ता है। बाइबल बतलाती है कि विश्वासी एक देह के अंग हैं और इस देह को कलीसिया नाम दिया गया है और इस देह का सिर है मसीह यीशु। प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रभु के पास विभिन्न कार्य हैं, उदाहरण के लिए प्रचार करना, गीत गाना, शिक्षा देना, खेती करना, घर के कार्य करना और साक्षी देना। प्रत्येक व्यक्ति को मसीह यीशु के लिए कोई ना कोई काम अवश्य करना होता है जिससे कि कलीसिया सशक्त बने। सारे विश्वासी एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और एक साथ कार्य करते हैं तथा वे समय पड़ने पर मसीह की देह के लिए दुख भी उठाते हैं। चित्र 37। सारे विश्वासी एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए यहां एकत्र हुए हैं। हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह हमारी आराधना है। परमेश्वर के कार्य के लिए हम अपनी भेंटें भी लाते हैं। परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी कि हम प्रभु मसीह यीशु की मृत्यु को सदैव स्मरण रखें। यहां हम देखते हैं कि विश्वासी गण रोटी और दाखरस में संगति कर रहे हैं। रोटी हमको मसीह यीशु की देह की याद दिलाती है जो कि क्रूस पर हमारे लिए तोड़ी गई थी तथा दाखरस मसीह यीशु के लहू का स्मरण दिलाता है जो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए क्रूस पर बहाया गया। चित्र 38। एक दिन मसीह यीशु स्वर्ग से लौटकर जरूर आएंगे जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है, और जब वे आएंगे वे अपने साथ सारे विश्वासी परिवार को अपने साथ ले जाएंगे। मसीह यीशु परमेश्वर के लोगों को जो पहले ही मर चुके हैं पुनर्जीवित भी करेंगे। उन सब की कब्रें खाली हो जाएंगी और मसीह यीशु के लोग विश्वासीगण जो उनके आने के समय जीवित होंगे उनके साथ वैसे के वैसे उनके साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। हम सब बादलों में मसीह यीशु से मिलेंगे और उनके साथ निवास करेंगे। अविश्वासी गण परमेश्वर के न्याय का सामना करने के लिए यहीं रह जाएंगे। हम नहीं जानते कि मसीह यीशु कब आएंगे, परंतु हम सदैव तैयार रहें, सदैव मसीह यीशु की प्रतीक्षा करते रहें, क्योंकि यदि आज मसीह यीशु आ जाएं, तो क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? चित्र 39। इस चित्र में आप देख रहे हैं जैसे यह वृक्ष फल देता है वैसे ही विश्वासी अर्थात मसीह यीशु के शिष्य अपने जीवन में फल देते हैं और यह फल कहलाते हैं आत्मा का फल। मसीह यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करता है और वो अपने कार्य हमारे जीवन में करने लगता है और तब हमारे जीवन में फल आता है जो कहलाता है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि डालियों में फल न लगे तो वे काट दी जाती हैं और वे मर जाती हैं और उन्हें जला दिया जाता है। मसीह यीशु के चेलों को बहुत सा फल लाना आवश्यक है क्योंकि इसी के द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा हो सकती है। चित्र 40। मसीह यीशु ने शिष्यों को आज्ञा दी कि जाओ और इस अद्भुत संदेश के विषय दूसरों को बताओ ताकि वे पाप और नरक के दंड से बचाए जाएं। यह चित्र बतलाता है कि एक विश्वासी मसीह यीशु की आज्ञा मानता
तथा दूसरों को उसके विषय बतलाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मसीह यीशु की साक्षी देने में हमारी सहायता करता है। आप भी दूसरों को बता सकते हैं कि आपने इस किताब से क्या सीखा है।